huge requirement these days, right? Because we all know, stuck at home, pandemic situation, children can't go to school. So the basic, rather we are connecting to each other, sitting at every corner of our country, somewhere around the world, when we attend the webinar of such eminent lectures. Yesterday we were attending webinars of some great, great lectures. So really we wonder, right? We haven't ever thought ki aisa kuch time aayega, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि अच्छा कोई बैठा होगा इतनी दूर दराज देशों से, वो हमको पढ़ा रहा होगा या हम उनसे इतनी सारी ज्ञान की बातें, नॉलेज हमारा हमारा जो रिजर्वॉयर होता है वो इंक्रीज होगा, तो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो इस पैंडेमिक ने हमको सिखाया, वो एक बड़ा एडवांटेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट की हेल्थ काफी स्टेटस डिक्रीज हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, जो कुछ इनिशिएटिव्स लाए हैं, आईसीटी है क्या? सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि what is ICT? It is not only a limited term to information communication technology, वो हम सबको पता है, हम सब मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं। So what is ICT? It's a huge domain that comprises of not only a channel, a medium, rather an interchange of you know our views. That is actually what is called as feedback. जिसके बिना हमारा टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होता, राइट? अगर क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सम मेबी सम रिसर्चर्स, सम ग्रेट रिसर्चर्स विल कम आउट फ्रॉम दिस यू नो वंडरफुल सेशन। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये आज का नीड है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे या ऐसी कौन सी तकनीकें, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रिसेंट टाइम पे भी हुई हैं और जो कि स्कूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने ज्यादातर जो भी एप्स या वगैरह जो भी थोड़ा बहुत मैंने सर्वे किया है, ऑनलाइन सर्वे अगेन जो मैंने किया है, तो वो सारी चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आजकल ऑन प्रेजेंट डे नॉट ओनली गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्कूल्स भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है, मैं आई एम देयर इन दिस प्रोफेशन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो उस आप लोगों में से बहुत लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी दे आर एंगेज इन टू सम अदर प्रोफेशन, मे बी स्कूल, मे बी कॉलेज, तो उनको भी पता है कि आईसीटी का रोल क्या है। यू नो यू कैन मेक इंटरैक्टिव वीडियोस, यू कैन एक्चुअली जो पॉसिबल नहीं था लाइक लास्ट 2020 में, 2020 में अगर हम देखें अप्रैल महीने में, we would not have thought of ki acha we can conduct the examinations in Google form, right? We have not thought of ki as a student can be asked to present a PPT and usko demonstration kar sakte hain, student ko bhi apni creativity ko dikhane ka mauka ICT ne diya. So yes, somehow this has been a great, great opportunity for all of us, and not only for teachers, for students as well. तो मैं मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए, आशा करते हैं आपको सबको पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर सम स्लाइड्स हियर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल, आई होप सो यू विल ऑल लाइक इट। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। So, this is my topic of the day, using ICT tools in education, how to make online teaching learning material. Basically, आप कैसे tools को पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप use कर सकते हैं। ICT है क्या? जैसे मैंने बोला, it's a technology that supports activities involving all sorts of information, not only data, but that includes software and hardware approach as well. Software क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं, और हार्डवेयर हमारी जो टेक्निक्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, रादर वी नीड अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप और बेसिक डिविजन, ये आजकल की नीड ऑफ द आवर है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो दिस इज द मोबाइल, तो सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मीन सम सॉर्ट ऑफ रूल्स, हाइपर लिंक, और जैसे हमारे आजकल तो द होल लाइफ इज बेस्ड अपॉन लिंक्स, राइट? यू क्लिक ऑन अ लिंक और आप पहुंच जाते हैं जहां पर आपको वेबसाइट हो या जो भी वेबसाइट हो आपको पहुंचना है, आपको अवेल करना हो या कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज आईसीटी।
can simply be defined in the simplest form as an electronic medium for creating, storing, manipulating, receiving and sending information. Ab information ko kis tarike se pahunchate hain, what are the basic requirements, usko bolte hain ICT. Wo ho gaya wireless, ho gaya bluetooth, ho gaya chaliye maine radio television to khair we all know this, but these are the recent ethernet, ho gaya wireless, aapka agar wifi kaam nahi kar raha hai ethernet se aap you can avail your classes. Then hotspot ho gaya, aapka laptop wifi hai nahi aapke area mein. You can just take a hotspot from your mobile and you can avail the classes, right? So, ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि practically चीजें implement की जा सकती हैं और practically काफी जरूरी भी हैं. Next is benefits क्या है? What are the benefits of using ICT? एक तो student में एक learning की जो भावना है वो बढ़ाती है, क्योंकि कुछ interactive slides होते हैं, आप देखते हैं कुछ ऐसे specifically कुछ subjects होते हैं, जैसे मेरा subject अगर मैं लूँ geography है या science है, या मैंने लिया planetary movements, planets किस तरह, inner planets होते हैं, outer planets होते हैं, planets को किस तरीके से दिखाया जा सकता है, planet के movement को दिखाया जा सकता है, Moodle, through Moodle you can actually make the whole thing. आपने बीच में एक छोटा सा बॉल रखा एंड यू नो ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल इमेजेस, 3D इमेजेस. आपने फिर कुछ और साइड में प्लैनेट्स रखे और उनका दिखाया कि किस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन. सो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो होती है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन. मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. आप जो स्लाइड्स अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आशा करती हूँ, गूगल क्लासरूम ये एक ऐसा टूल है जो कि प्रेजेंटली स्कूल्स में बोलिए या इवन इन डिफरेंट कॉलेजेस वहां पर भी ये इसको यूज किया जा रहा है गूगल क्लासरूम, क्योंकि ये परफेक्ट प्लेस है टू स्टोर योर PDF. इवन कुछ वर्कशॉप्स हैं जो NCERT कंडक्ट करवाता है या CBSE कंडक्ट करवाता है फॉर टीचर्स, तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं कि गूगल क्लासरूम का एक वो लोग लिंक दे देते हैं कि आप इस क्लासरूम को ज्वाइन करिए और आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे. आपको यू हैव टू जस्ट गो ऑन एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी और फिर आपको अपना सबमिट कर देना है PDF. अगेन यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ PDF और अ लिंक जो भी वो लोग देते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो लोग भी हमको असेस कर पाते हैं, देन वी टीचर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड द ग्रेड्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उससे एक प्रोफिशिएंसी डेवलप होती है, हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ता है, कुछ ग्रेड्स देते हैं हमको. तो इस तरीके से गूगल क्लासरूम को फॉर टीचर्स यूज किया जाता है, फॉर स्टूडेंट किस तरीके से कि आप असाइनमेंट दे दें उनको इन द फॉर्म ऑफ PDF, देन इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म, हमारे गूगल फॉर्म आफ्टर फीडबैक फॉर्म अभी आप लोग जैसे देंगे, तो इस तरीके से आप फॉर्म को क्रिएट करिए और वहां पर डाल दीजिए इन द फॉर्म ऑफ लिंक, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, यू मेक योर ओन वीडियो, पुट इट देयर एंड बच्चे दे कैन अवेल इट. दिस इज अ वेरी इजीएस्ट मीडियम बिकॉज इससे जो इंटरनेट इज अवेलेबल नाउअडेज इन ईच एंड एवरी पार्ट, जो 2020 में जो दिक्कत आई थी इंटरनेट अवेलेबल नहीं था काफी सारे पार्ट्स में हमारे कंट्री के, लेकिन वो 2021 तक वो भी काफी सारी चीजें कम हो गई. यस, आई बिलीव कि कुछ ऐसे एरियाज है, अगर अर्बन एरियाज को कंपेयर करें या तो बिल्कुल रूरल, बिल्कुल मोस्ट रूरल एरियाज को कंपेयर करें, तो हाँ उन सारे चीजों में, उन दो एरियाज में काफी दिक्कतें हैं अभी भी. बट देन यस, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल. दिस वॉज अ कंडीशन टिल 2020, बट आई बिलीव 2021 में काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई है जिसका हम जिक्र करेंगे कुछ आने वाले स्लाइड्स में. देन आई'd लाइक टू स्ट्रेस ऑन हियर कि गूगल क्लासरूम कैसे यूज किया जाता है, थ्रू असाइनमेंट, रीडिंग सिस्टम, वर्चुअल डिस्कशंस होते हैं, बच्चे अपना क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते हैं. एंड देन एक्चुअली द बिगेस्ट एडवांटेज इज बहुत सारे बच्चों को एक साथ आप एक जगह पर ऐड कर सकते हैं. अगर एक क्लास में आप समझ लीजिए अगर 50-60 बच्चे हैं, जो कि एक्चुअली कंडीशन है गवर्नमेंट स्कूल की एंड बिग बिग प्राइवेट स्कूल्स, आप देखें एक क्लास में अराउंड 50 या 55 या 60 के ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप उनको एक जगह इकट्ठा करके यू कैन जस्ट सेंड देम लिंक, बस वो मेल खोलेंगे या जो भी है उनका, उनको भी नोटिफिकेशन आ ही जाता है एंड देन
दे कैन एक्चुअली व्यू द कंटेंट, क्विक चेक होता है, आप उसको रियल टाइम क्लासरूम वाली फीलिंग दे सकते हैं जो बच्चे बहुत मिस करते हैं. ये मैंने पर्सनली फील किया है. स्टूडेंट्स एक्चुअली टेल मी कि मैम वी मिस आवर क्लासेस, लाइक रियली दे मिस देयर क्लासेस, दे मिस देयर फ्रेंड्स. सो जस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी कि हाँ कब चेक होगा मेरा असाइनमेंट, मैंने दे दिया टीचर को, टीचर अपने हिसाब से करेगी और करेगा. सो दिस टाइप ऑफ सारे इल इफेक्ट्स को मिटाने का सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल क्लासरूम है. एंड यस एवरी स्कूल हैज यूज्ड इट इन अ वेरी नाइस वे. टाइप्स ऑफ टूल्स अगेन, ई पाठशाला, जो कि हम लोग काफी सारे एग्जाम्स में, हमारे जो आप लोग भी काफी सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने वाले होंगे उसमें भी ये इनिशिएटिव काफी बार सवालों में पूछा जाता है कि व्हाट इज ई पाठशाला और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, इसमें आईसीटी को किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है. ये निकाला गया था 2015 में, नवम्बर 2015, और ये बहुत ज्यादा एक ह्यूज वेब लिंक प्लेटफॉर्म है ई पाठशाला. इसमें क्या होता है कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लिंक्स दिए जाते हैं. तो टीचर्स का अलग लिंक होता है, वो हाइपर लिंक होता है उसमें, और टीचर्स वहां पर जाके दे कैन एक्चुअली अवेयर की क्या क्या सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली कोर्स में कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स प्रैक्टिकल्स हो गए या इंग्लिश के कुछ ऑडियो ऑडियो पॉडकास्ट जैसे हो गए, क्योंकि इंग्लिश में भी उनको ASL देना पड़ता है, बच्चों को ASL होता है. लेट इट बी KV का स्टूडेंट, लेट इट बी प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट, उनको सुनना पड़ता है, सुन के एंड देन दे हैव टू एक्चुअली रिसाइट की क्या बोला गया उस पॉडकास्ट में, उस ऑडियो सीरीज में क्या ऑथर बोलना चाहता है. तो ऐसे कुछ सारे टेस्ट हैं जो इंडियन क्लासरूम्स में यूज होते हैं. एंड ऑल थैंक्स टू दिस ई पाठशाला, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक वेब एडवांटेज है जिस ऑन इट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी विंडोज 10, विंडोज 7, एंड्रॉयड, एप्पल, ऑब्वियसली एप्पल, बट जो बच्चे एंड्रॉयड के अलावा भी रेडमी वगैरह हो गया, एंड्रॉयड है हमारा फोन बेसिकली, वी ऑल नो एंड्रॉयड हमारे पास सबके पास है, तो इसमें भी यू कैन एक्चुअली अवेल दिस काइंड ऑफ एप as in the form of app भी है. आप डेस्कटॉप से भी जाए हाइपर लिंक भी करें तो आप जा सकते हैं. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन क्यू मैथ एंड माई क्लास नोट. ये कंपेरेटिवली टू गूगल क्लासरूम बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि इसको यूज करते हैं. दिस इज अ मैथमेटिकल टूल. काफी सारे यहाँ पे लर्नर्स होंगे हमारे, या काफी सारे यहाँ पे जो अपकमिंग जनरेशन है जो कि इंटरैक्टिव है, यू नो दे आर ऑल डूइंग देयर मास्टर्स, दे वांट टू गो फॉर सम रिसर्चेस. कुछ मैथ्स के स्टूडेंट, मैथ्स के टीचर्स के जरूर होंगे हमारे यहाँ. तो ऐसे कुछ टूल्स है. क्यू मैथ एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप फ्री पजल बना सकते हैं. और एक ऐसा टूल आया है जिसको बोलते हैं कुमात या समथिंग, देयर इज अ नेम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई थिंक सो मेरे स्लाइड्स में होगा ये. देयर इज अ ऐप, वहां पे आप इन द फॉर्म ऑफ यू नो गेम, आप गेम क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आप बच्चों को पढ़ाते हैं. जैसे हो गया फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, या मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे अलजेब्रिक हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री, यस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट. आपने कुछ फॉर्मुलेज उनको बताए. पहले क्या होता था कि बच्चे टीचर्स फॉर्मुलेज बता देते थे, पंडित हरि प्रसाद वॉज अ फॉर्मूला जैसा हमारे टीचर्स पढ़ा दिया करते थे हमको. तो अभी तो बच्चे वैसे समझेंगे नहीं. तो आप क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिडल्स, पजल्स, इवन क्लास 9-10 के भी स्टूडेंट बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. आई हैव एक्चुअली पर्सनली एक्सपीरियंस दिस. बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब आप ऐसे कुछ उनको टूल्स दिखाए जो एक्चुअली वो लोग देख रहे कि वर्चुअली अच्छा ऐसी चीजें होती हैं. इवन हमारे को भी, अगर हम भी कुछ प्रिपरेशन, एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्लाइड्स आ रहे हैं हमारे सामने जो कि हमको एक्चुअली डेमो देके बताए कि अच्छा ये चीजें ऐसे होती हैं, तो ऑब्वियसली वी विल टेक इंटरेस्ट एज फार एज एवरी वन ऑफ अस आर कंसर्न. लेट इट बी स्टूडेंट, लेट इट बी टीचर्स, बिकॉज ये इंडिविजुअल का एक माइंड होता है कि आप जो देखते हैं या आपके सामने जो हो रहा है आपका माइंड वो ज्यादा कैप्चर करता है, राइट. हमने कम्युनिकेशन वगैरह में भी काफी कुछ पढ़ा है. My Class Notes is again an app जो कि not only वहाँ पे बच्चों को just like Google Classroom ही है ये, लेकिन इसका जो server है ये secure नहीं है. तो इसलिए काफी schools Google Classroom को prefer करते हैं instead of this one, My Class Notes. इसका जो server है वो HTTP है, S अभी तक उसमें add नहीं किया गया है, तो paid नहीं है ये.
फ्री है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों को एट अ टाइम आप ऐड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। लेकिन यस फॉर स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अगर 15-20 ऐसे बच्चे हैं तो हाँ ये चीज, ये ऐप जरूर यूज होता है। नेक्स्ट, यस मैं बोल रही थी इसको काहूत और सोक्रेटिव इज अगेन ऐप जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, किसी भी तरीके के डिवाइस में चल सकता है। आप इजीली यू कैन मेक क्विजेस, क्विक पोल्स जो काफी सारे एप्स में आता है आजकल, एंड वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि आप देख रहे हैं पीडीएफ को एडुकेटर शेयर कर रहा है एंड यू नो द करेक्ट आंसर। सो जस्ट टू नॉट नो योर फ्रेंड्स दैट यू नो द करेक्ट आंसर बिफोर, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द पोल एंड द पोल विल टेल यू कि यस यू आर, हाउ मच यू आर करेक्ट। यू कैन सेल्फ असेस योरसेल्फ कि कितना आप इम्प्रूव किया है। तो ये सब सारी कुछ एडवांसमेंट चीजें हैं जो कि इंडियन क्लासरूम में भी अपनाई जाती हैं और इसने एक एडुकेशन को एक बहुत नया मुकाम दिया है कि आप एडुकेशन वहां तक पहुंच सकता है, काफी सारे लोगों को अवेल करवा सकता है, एडवांटेजेस बना सकता है, ना नॉट ओनली जो अर्बन एरियाज में छात्र छात्राएं हैं बल्कि ऐसे एरियाज में जहां पर बच्चे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि विदाउट टीचर्स, विदाउट स्कूल पढ़ाई कैसी होगी, क्योंकि एंड वी हैव टू एडमिट कि वो बच्चे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन उनके पास टैलेंट है। तो अपॉर्चुनिटी ना होना, टैलेंट का होना, अगर ऐसे कुछ एप्स आ जाए जो कि जरूर गवर्नमेंट उनको अवेल करवा सके, गवर्नमेंट उनके पास पहुंच सके, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे टैलेंट हमारे पास उभर के आएंगे जिनको आगे जाकर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ ना कुछ, अपना नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने टीचर्स का नाम, यू नो, वर्ल्ड में फैलाने का। ये काहूत ऐसा उनमें से एक ऐप है जो कि अगेन इंटरैक्टिव और फन गेम्स बनाता है, स्पीड डायरेक्शन वाले जो टेस्ट होते हैं मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए जो मास एक्सेलरेशन वाले टेस्ट होते हैं 9, 10, 11, 12 में भी उसका काफी यूज होता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड पहले ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता था कि 11, 12 के स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन सब चीजों में, लेकिन नहीं, दे आर स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन व्हेन आप कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्म ऑफ यू नो जहाँ पर ऑप्शंस हैं, जहाँ पे पोल्स हैं, आप उनके पास लेके जाइए, उनको बताइए, रैपिड फायर लेते हैं आज, एंड दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि उन्होंने ऐसा चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। उनको लगता था कि यार एनसीईआरटी पढ़ना है एंड वी विल बी लाइक यू नो राइटिंग आवर एग्जाम्स, लेकिन आप ऐसा चीजें, कुछ इंटरैक्टिव चीजें बना के उनके पास लेके जाइए, जरूर दे विल वेलकम अस ऑल, राइट। तो मैं चाहूंगी जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं या स्टूडेंट हैं जो कि बनने वाले हैं टीचर्स, या दे हैव दैट अर्ज कि नहीं मुझको टीचर बनना है, तो आप जरूर ऐसे सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ खुद को भी अपडेट करिए और चीजों को भी बनाइए, कुछ नए नए यू नो इक्विपमेंट्स, एप्स ट्राई करिए, खुद सॉफ्टवेयर्स कुछ लीजिए, यू नो फ्री सॉफ्टवेयर बहुत अवेलेबल होते हैं। आई एम नॉट आस्किंग क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स obviously paid software use नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे software लीजिए जिससे आप actually you can implement. So basically what are the impacts classroom teaching learning system में, कुछ ऐसे sparse area में पहुंचा जा सकता है जहां पर technology is still not available. Basic चीजें कुछ है in the form of lab, बायोलॉजी लैब आप वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, फिजिक्स लैब वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बता रही हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं, गवर्नमेंट ने सर्वे किया है कि बच्चों को कितना आईसीटी से, ऐसे कुछ जर्नल्स आए हैं कि आईसीटी से बच्चों को कितना हेल्प मिलता है। एक्चुअली बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है आईसीटी से, कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिसने बताया अराउंड 75% स्टूडेंट ऑफ द कंट्री एक्चुअली बिलीव्स कि आईसीटी इज वन सच मीडियम, कि ऐसे इंटरैक्टिव चीजें इज वन सच मीडियम जिससे बच्चे और ज्यादा एक्टिव होते हैं। यस आई बिलीव एंड आई ऑल्सो आई डोंट डिसअग्री विद द फैक्ट कि ऐसे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, टीचर यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, बच्चा वहां से आराम से ऑफ करके सो रहा है। यस दे आर, बट दैट इज वेरी एक्सेप्शनल, ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि दे ऑल्सो नो कि अल्टीमेटली 1 महीने 2 महीने सो गए, 3rd महीने यू हैव टू गेट अप बिकॉज लाइफ है। 9, 10, 11, 12 को आप जब पढ़ाएंगे, दे आर ऑल्सो, दे बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। सो दीज आर सम ऑफ द
बेनिफिट्स हो सकते हैं या डिसएडवांटेजेस को भी एज एडवांटेजेस वी कैन एक्चुअली अप्लाई इन आवर डेली सिस्टम. नेक्स्ट आईड लाइक टू स्ट्रेस ऑन आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग के कुछ थ्रस्ट एरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो आईसीटी इनेबल्ड फॉर आईसीटी एज अ टूल कैन बी यू नो इंप्लीमेंटेड इन आवर क्लासरूम. विजुअलाइजेशन, because visualization is such a capacity which helps students to enhance their skill of understanding, you know, difficult concepts hoga easy way mein aap bata sakte hain, kuch demonstration dikha sakte hain. Retention capacity badhata hai kyunki aap jo cheeze dekh lete hain na wo kahin na kahin aapke mind mein baith jati hain. Hum log kafi psychology wale yahan pe sab B.Ed wale students hai, so we have already studied about all this unconscious mind and subconscious mind. काफी सारी चीजें जो हमारी हिडन होती हैं या काफी सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं हमको इजीली रिकॉल हो जाता है, तो वो क्यों होता है कि हम देखते हैं उन चीजों को, है ना. और आप जब रिपीटेडली वो वीडियोस अगर आप सोचिए फ्रीली अवेलेबल है और आप क्लिक करके वो बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके माइंड में फिक्स होती जाती है. क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम्स, GPS, ऐसे कुछ. यस अगेन मैं बताऊंगी कि ये GPS सर्विसेस, जियो पोजिशनिंग सर्विसेज, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि काफी प्राइवेट स्कूल्स ने खरीदे हैं. मैंने ये बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन सारे स्कूल्स ने अभी तक सारे स्कूल्स इन चीजों को, इन डिवाइसेस को उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया है. ये एक चीज है जो कि एक्टिव लर्निंग बढ़ाती है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, टीचर जो एडुकेटर है उसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उसको पता होता है कि यस आई हैव टू विजुअलाइज, आई हैव टू मेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली क्लासरूम में होते हो बच्चे के सामने, आप बच्चों को काफी सारी चीजें वन टू वन, फेस टू फेस पढ़ा सकते हो, लेकिन आप बैठे हो इतने दूर बच्चों से, तो उन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों तक पहुंचाना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज. एंड आई थिंक सो एवरी टीचर वुड एग्री ऑन दैट, और एवरी पर्सन हु इज डूइंग बीएड, प्रैक्टिस टीचिंग की है या एमएड भी कर रहे हैं, तो आपने जरूर प्रैक्टिस टीचिंग या आपने कॉलेजेस में पढ़ाया होगा बीएड के ट्रेनीज को, तब भी आपने देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हर एक बच्चे तक पहुंचना. सो इमेजिन आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को नया नया सीखा है. एटलीस्ट बीएड तक तो वी आर लाइक वी हैव डन ग्रेजुएशन, हमको पता होता है काफी सारी चीजें कैसे चलती है कैसे नहीं. लेकिन आप इमेजिन करिए क्लास 8 टू एटलीस्ट 9 10 तक जिनको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नए, हम 9-10 में वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पहली बार पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली बार पढ़ते हैं, या ज्योग्राफी में आप फिजिकल फीचर्स बनता कैसे है, पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिमालयन सिस्टम के डिविजन्स को वो लोग पहली बार पढ़ते हैं. तो आप उनको पहली बार पढ़ाना और कोई चीजों को आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने में बहुत बड़ा फर्क है, जो कि आईसीटी बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट आईड लाइक टू गो ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड. ICT and teaching strategies. So, adaptive teaching आप रखिए. आप जितना भी अगर आप old content भी पढ़ा रहे हैं तो आपको old content को बार बार review करना होगा. आप एक ही content को for 5 generations, 6 generations, यानी 5th batch पढ़ाए जा रहे हैं, उससे क्या होता है ना, आपकी growth होती है ना आपका student सीखता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कंटेंट को रिवाइज करें, आप अपने कंटेंट में न्यू एडिशंस करें, ताकि बच्चे दे वुड बी ऑटोमेटिकली यू नो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कि अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा. यू नो आई थिंक सो हमने सभी ने एक मूवी देखी थी 3 Idiots, और मुझे बहुत अभी याद आया कि ये 3 Idiots में एक डायलॉग था कि पढ़ाना इज नॉट अ बिग डील, द वे टू इम्पार्ट योर लेसन इज अ बिग डील. ये आपको पढ़ाना कैसे है, बच्चों तक पहुंचना कैसे है, कुछ नया सिखाइए. नया इन द सेंस ऐसा नहीं है आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को ही नए तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं. आप उनको काम दीजिए कि यस यू हैव टू सर्वे ऑन दिस टॉपिक एंड यू हैव टू कम बैक ऑन द नेक्स्ट डे, लेट्स सी हाउ मच यू हैव यू नो लर्न. कोई ना कोई बच्चा, लेजी से लेजी बच्चा, आलसी से आलसी बच्चा, बैक बेंचर बच्चा भी मैंने देखा आईसीटी ऐसे ऐसे क्लासरूम में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेता है. उसको लगता है कि नहीं मेरा नाम भी आने वाला है कहीं ना कहीं. नो एंड व्हेन ये होता है सारे, इवन हम भी अभी तक हम में है, अगर हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, हमको किसी एडुकेटर ने बोल दिया वेरी गुड, या आपका टॉप 10 में पोल पे कहीं नाम आ गया, यू फील कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड.
ये सारी चीजें हैं जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है जो ह्यूमन को अट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट करती है. तो आई बिलीव कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने सिस्टम में, अपने डेली सिस्टम में, तो काफी सारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. लर्निंग बाय डूइंग, अगेन प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच. सारे बीएड वाले हैं यहाँ, अगर बीएड वाले नहीं भी है एटलीस्ट एजुकेशन वाले हैं, तो आपने ये पढ़ाई होगा लर्निंग बाय डूइंग. आप करिए, काम करिए, सीखिए, ठोकर खाइए, उठिए और फिर से सीखिए. उससे क्या होगा, आप अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, आप अपने हाथों से एक्सपीरियंस करेंगे उन चीजों को, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा यहाँ पर मैंने ये गलती की थी, कि मैंने ये स्टेप मैंने स्किप किया था, तो मुझे ये स्टेप स्किप नहीं करना है. आई हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आई हैव टू अगेन एड अप दो स्टेप. ऐसे कुछ रिमोट एरियाज हैं जहां पर आईसीटी अभी तक नहीं पहुंचा है. यस आई एग्री, इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर बहुत सारे, आप गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए. वन ऑफ माय कलीग, शी टीचर्स इन वन ऑफ द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वहां पर बच्चे आर वेरी टैलेंटेड. एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और वो टीचर के पास लेके आता है, तो टीचर बोलती है यस दिस वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, बट टीचर के पास वो रिसोर्स नहीं है जिससे वो उस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाए या सीबीएसई के सामने लाए. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जहां बच्चे के पास असली में टैलेंट है. अगर गवर्नमेंट इन सारी चीजों को, अगर टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग के बाद बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब हर टीचर प्रोफिशिएंट होता है. ऐसा होगा ही नहीं कि कोई टीचर प्रोफिशिएंट नहीं है, टीचर में प्रोफिशिएंसी है. प्रॉब्लम ये है हमारे कंट्री में कि हम उन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, हमको वो वे, वो डायरेक्शन नहीं मिलता है कि वो सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर पाए. तो एंड थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाता है. अगेन आप प्रॉब्लम को बच्चे में, वो एक अचानक आप उनको कोई काम देंगे या उनको कोई पीपीटी बनाने को बोलेंगे, पहले 5-2-3 स्लाइड्स में उनको लगेगा कि यार मैं हाउ डू आई मेक इट, यू नो कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ. वो फिर सारी दिन उसमें बैठा रहेगा, क्योंकि बच्चों में ये चीज होता है, इवन हमें भी होता है कि यार हमको कुछ नहीं आ रहा है कोई चीज, तो वी विल लगे हैं उसमें कि नहीं उसको करना ही है. कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, और स्पेशली अगर कोई चीज हमको बहुत ज्यादा शिद्दत से हमको चाहिए कि नहीं हमको करना ही है, कल तक का टारगेट है, वी हैव टू मेक दीज स्लाइड्स, सो देन वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है. वो इन्यूमरेशन बढ़ाती है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं हमारे आर्ट को, हमारे स्किल्स को डेवलप करती है. So these are some of the strategies and these are some of the ways जहाँ schools, not only school, even higher education में भी आप इसको implement कर सकते हैं. काफी सारी universities ने किया है, specially COVID के time पे, and not only primary level, secondary, higher secondary and हमारे college level, university level में भी ICT का बहुत बड़ा योगदान है. Finance sectors आए हैं, e-governance is one of the basic प्लेटफॉर्म जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अपना हेल्पफुल सर्विसेज प्रोवाइड की है. जैसे आप बता लीजिए, अभी समझ लीजिए आपके बैंकिंग सर्विसेज, आप विद अ वन टच आप अपने यू नो फैमिली को आप मनी क्रेडिट कर सकते हैं या आपके पास क्रेडिट हो जाता है. सो हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन, आप नेट का फॉर्म फिलअप करेंगे, यू जस्ट नीड अ इंटरनेट, यू जस्ट नीड, इवन आप मोबाइल से भी ये सारी चीजें कर, नॉट नेसेसरी आपको डेस्कटॉप चाहिए, आपके पास सारी चीजें बस अवेलेबल होनी चाहिए. तो ओनली थिंग इज बस इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, एंड यू विल बी यू नो हेल्पफुल विद एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली विद दिस कोविड क्राइसिस, बट e-governance is one such services. आप बैंकिंग चाहिए, आप रेलवे टिकट चाहिए, आप फ्लाइट टिकट करते हैं, यू नो दोस वेर द डेज जब हमको जाना पड़ता था, हमको टिकट में लाइन लगानी पड़ती थी, एंड देन वी यूज टू गेट द टिकट्स, बट अभी क्या है, आप वन एंटर मारिए, कार्ड नंबर डालिए, एंड यू विल बी गेटिंग द टिकट्स, राइट. इवन कोविड के वैक्सीनेशन, आप वैक्सीनेशन बहुत लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, and we all know just you have to register your name and you have to see which slots aapke paas khali hain aapke district mein, aapke area mein, aapke locality mein, aap pin number daliye and pura list aa jata hai hospitals ka, paid ho, government ho, aap just jaiye aur wahan par registration kariye and then you are done with your vaccination.
तो दीज आर नॉट ओनली इन एजुकेशन सेक्टर, कुछ ऐसी सारी सेक्टर्स हैं जो कि रादर रीच एंड हमारे लाइफ इज लाइक रिलेटेड विद आईसीटी. कैन यू इमेजिन अ सेकेंड विदाउट इंटरनेट? आई मीन अभी अगर अगर वाईफाई गॉड्स फॉरबिड नहीं जाना चाहिए, अगर वाईफाई चला जाए तो आई विल हैव टू सर्च के हॉटस्पॉट लगाइए एंड get back to the meeting as possible. So this is something very, very great, huge benefits of ICT, enhancing learning, improving school management, management related tasks sare ICT se hote hain. The teachers, they get accredited salary and you get a slip, ultimately ki aapka slip ho jata hai. And then salary slip, you get that in your mail. The students, they have to provide a fees. You have to just click on the links and you'll be redirected to the website and you can actually pay your fees. You don't have to anymore go into the long, long, huge, huge queues. KVK kuch exams hote hain, kuch admissions hote hain. Bacche wahan pe, and the parents can actually fill up their form and students can give the exams online. Research, aajkal research ke jo PhD entrance hai, wo online ho rahe hain. So these are some of the great, great, huge, huge benefits. इसके वजह से इवन IITs के एंट्रेंस आजकल होते हैं ऑनलाइन. सो यस वी कैन से दैट ICT इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, नॉट ओनली एजुकेशनली बट विद ऑल एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट्स अक्रॉस द रीजन. विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन हियर फॉर द पेशेंस हियरिंग एंड इफ एनी क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम. जागृति मैम ओवर टू यू. Marvelous presentation, and it was a very enthusiastic, easy to understand and in the time, that is most important. आपने टाइम को बिल्कुल मैनेज करते हुए हर साइड को इतना अच्छे से समझाया. थैंक यू मैम फॉर सच अ डेलिब्रेशन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अटेंडीज इफ दे हैव अ क्वेरी. Thank you, ma'am, for your wonderful presentations. Ma'am, I have a question regarding you told about the teaching strategies, innovative thinking. If you give an insight more on innovative thinking, ma'am. And another question is, ma'am, regarding the Socrative apps and the Kahoot apps that you have explained. Thank you, ma'am. Thank you for the question, Mr. Prasanjit. So, first, I would like to go on with some innovative ways. Innovative innovations, you know, comes from our end as a teacher's end. Innovation, when you give some kind of projects or maybe you explain to them what actually you need out of a project. For example, if I talk about environmental science kind of, for example, Standard 10 has a disaster management project. Okay, let me take this example. So disaster management project includes every kind of thing. Like the student has to talk about earthquake, the student has to talk about the the ill effects of earthquake, how can earthquake be prevented, all these type of steps. The student has to go on with the creative writing. It's not the thing that you go to the Google and you put on all the copy paste wala button and you paste it. That is no more accepted these days in the schools, because the teachers are very, very smart and they will just see, oops, this is Google, and they will find it and they will cut the marks of the students. So that is not the thing which is accepted at all. So what can students do is they have to just go to those sites. Yes, you take the help of those sites, but you develop your own thinking. You know, you just start reading ki what is earthquake. They have to make the slides a bit interesting, an eye-catchy one. And innovation at their stage, I would like to say, they can actually come up with the fact that yes, how to demonstrate the whole thing, how earthquake happens. They have till now they have learned from their teachers, but they have not got the opportunity to demonstrate it. So these kind of projects, when you give to the students, I think their innovation some way or the other increases. Because ICT and innovation, yes, I believe it's a bit challenge, but then if you take the challenge, because life is all about taking challenges,
So if you take those challenges and if you go to explore those challenges, then I believe so, yes, you can reach out to different masses and different needs. Coming back to your next question about the use of Socrative app and the Kahoot app. These are the kinds of apps specifically only for, they have designed only for the subjects like maths, the subject like physics, the subjects like chemistry. These are some of the subjects which they have actually assigned. And they have actually came up with the fact that if you go and Google, you will find all the information regarding that. They have created some kind of fun quiz, like mass into acceleration. What is mass into acceleration? They have, you know, CBSE's text and all that becomes very boring sometimes. What is mass? What is acceleration? Those huge books, and the rest is only about you have to depend upon this R.D. Sharma for maths. We all know that, yes, R.D. Sharma was our best friend till class 10, rather till class 12, those who have the science backgrounds. And then S. Chan. At least it was my friend till class 10, because I am not a science student. But yes, till class 10, I was having this S-Chan. So apart from this S-Chan, apart from with all respect to these two books, I think these kind of apps where Kahoot and, you know, you can just go and you can just log in there. There's a registration site. You have to just sign up there. And you have to go in the form of teacher, because you are the educator. So you have to create a whole quiz, okay? You have to just provide a question and your whole demonstration will come in front of you. If you just click an option called answer, the whole thing comes up again and you can easily reach out to the students. So this kind of system, I believe so, is a very helpful one. Coming into Socrative, again, a kind of that, this kind of app where you can actually make interactive quizzes, videos. What videos? I believe so. Videos, it's not productive nahi hota, specifically for standard 9 and 10, but quizzes are helpful. Hote. So, yes, if we believe so, and if you all have riches of your time, at least try to explore it. You never know, you can reach out to your students in the time of crisis. Thank you so much. Ma'am, these apps are freely available, Socrative and. Free. Yes, this is free. Absolutely free. So, ma'am, in the first question, the innovative thinking is basically evoke the critical thinking among the students. Yes, it's about students. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. The next question. Ma'am, next question is from the Mohini Mohan. Only few 50% of people have literacy to ICT, and it's a tool has it still preparing our most we living in the villages of India. How do we make these people the beneficiaries of the same? Yes, and I have touched out this point while I was explaining that yes, ICT is good for urban areas. It's a wonderful app, wonderful technology for urban areas. But when we come to talk about this digital divide, urban-rural gap, we somewhere or the other is a big challenge, and I really agree with your opinion here. But the only thing we can do is the government has came up with such apps like e-Pathshala and e-Granthala is one more initiative. They are actually creating their e-libraries. So students wahan par jaake, and it doesn't take much of their data pack consumption also, which is one benefit. Okay, because rural mein, yes, we all know ki data pack, even hamare yahan bhi rural ka urban mein bhi data pack ka to sabse bada issue hai ki aap kuch scroll kar rahe hain aur data gaya to bas wahi ki cheeze khatam ho jati hai, download nahi ho pata wo cheez. And then again, yes, I believe so, and I really agree with your point, smart villages only on records. But then when we talk about this, I believe so. Yes, if you look into the positive part, I really agree ki 20% is positive. Rest for rural areas, rest of the 80% goes with negative, because wo sari cheeze use hi nahi hoti. लेकिन क्योंकि ऐसे कुछ रियली फैक्ट्स हैं, कुछ डेटाज हैं, जो कि इवन कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं रूरल स्कूल्स में, उन्होंने सीरियसली ये बताया कि आईसीटी अभी तक
दूर दराज वाले बिल्कुल रूरल एरियाज में नहीं गया। ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप उनके लैब्स देखेंगे, कंप्यूटर लैब्स देखेंगे, जहाँ पर होने चाहिए अराउंड 60 के ऊपर कंप्यूटर, सिर्फ 10 कंप्यूटर है वहाँ पर। तो अगर एक एक बच्चे को भी आप, अगर साइंस का बच्चा है उसने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है, सो ही विल बी और शी विल बी नीडिंग कंप्यूटर, तो उसका कंप्यूटर के बगैर तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे उसमें क्या होता है कि कुछ ग्रांट्स आते हैं, प्रिंसिपल को सैंक्शन करने पड़ते हैं, एंड देन प्रिंसिपल हैज टू यू नो अर्ज द गवर्नमेंट टू प्लीज प्रोवाइड अस दिस कंप्यूटर्स। इज देयर एनी वे टू स्टॉप स्टूडेंट्स ऑनलाइन टैब्स का? दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। वो तो खैर वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा, कितना उनको एंगेज कर पाते हैं कि बिल्कुल वो दूसरे आए ही नहीं। यहाँ पर तो ऐसा हाल है कि बच्चे बिल्कुल बंद करके रख देते हैं एंड यू हैव टू जस्ट पिंग ऑन देम, आर यू देयर, आप आओ इधर। नहीं तो वो लोग ऐसे कुछ चीजें होती हैं जहाँ पर आप बच्चे आराम से सो रहे होते हैं, ओके यू विल हियर देयर यू नो कि वो लोग बढ़िया से स्लो सो रहे हैं। So yes, that's a very good question. But again, I'd like to come back to the first question, which I really like. Rural areas में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से rural areas के on records जो चीजें हैं उसको practically as teachers we can implement. देखिए हमारे पास जितना भी government हमको resource देगी हमको उसको use करना पड़ेगा। government के बाहर जाकर, government ने जितना हमारे लिए रखा है उसके बाहर जाकर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो द ओनली थिंग वी कैन डू इज गवर्नमेंट ने हमें जितना रिसोर्स दिया है बच्चे को उतना ही समझाया जाए, उतने में ही उनको एक्सेल किया जाए। आई थिंक दैट वन सच इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द टीचर। यस मैम, एक गुड मॉर्निंग मैम, वन क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन कि जो नई शिक्षा नीति आई 2020 उनमें आईसीटी के बारे में कुछ ऐसे प्रमुख इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए। देखिए सर, मैं डेटा या रिकॉर्ड्स तो नहीं दे पाऊंगी आपको, लेकिन मैं एक ओवरव्यू जरूर दे पाऊंगी आपको कि एनईपी 2020 में फॉर स्कूल एजुकेशन बेसिकली क्या क्या बोला गया है। आईसीटी में उन्होंने काफी सारी ऐसी एप्स बनाई हैं, ऐसी काफी सारी डॉक्यूमेंट्स बनाए रहा था। आई विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने जैसे सीबीएसई टीचर्स को ऐसे गूगल फॉर्म्स दिए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। इनमें आपने, उन्होंने एक हाइपरलिंक बना के डाला है कि आप हाइपरलिंक्स पर जाइए और फिर उसमें देखिए कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किस तरीके से सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं और किस तरीके के, जैसे आजकल एक नया पैटर्न चला है सीबीएसई का, अगर ये एग्जाम हो जाए क्लास 12 का तो उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी कंडीशन क्या है, तो एग्जाम्स क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर एग्जाम्स हो जाए तो कुछ ऐसे पैटर्न है जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है कि आप सिर्फ पैराग्राफ लीजिए, आप उस पैराग्राफ को बच्चों तक, अभी आपने फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, एक पैराग्राफ डाल दिया और 5 क्वेश्चन उसमें निकाल के डाल दिए, लेकिन वो 5-6 क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट ऑन फॉर देयर लेवल। फॉर आवर लेवल इट विल बी इजी, फॉर देयर लेवल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उनको उन चीजों को सॉल्व करना होगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं एनईपी फॉर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने आईसीटी को डाला है कि आप बस, आप बस वो सारी चीजें करिए जो प्रैक्टिकली बच्चे उसको अवेल कर पाए। आप कंप्यूटर लैब्स बढ़ाइए एंड देन कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर सीरीज लाइए, क्विज बस सेशन ज्यादा लाइए बच्चों के लिए, लेट इट बी 11-12 का स्टूडेंट हो उनको दीजिए कुछ क्विजेस बनाने को, पीयर लर्निंग करिए। तो कुछ ऐसी सारी चीजें हैं जो आईसीटी लेके आई है इन द फॉर्म ऑफ एनईपी 2020। ये सारी चीजें हैं इन द विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन। थैंक यू मैम। और एक चीज और, जैसे ये अभी जैसे जो शिक्षा मंत्री जी इन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि 15,000 जो स्कूल्स खोलेंगे प्राइमरी लेवल पर वो एक मॉडल के रूप में खोलेंगे, तो उसमें भी हम लोग मान सकते हैं कि आईसीटी का भरपूर प्रयोग करेंगे वहां पर हम लोग? सर ये तो बात है कि हाँ हाँ, ये लोग बोलते तो बहुत कुछ है ऑन रिकॉर्ड। जैसे अभी मैं ये बता रही थी कि किसी ने वहाँ पे लिखा भी था कि दीज आर ओनली ऑन रिकॉर्ड, ये सारी बस फाइल्स में है कि हाँ हम ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। लेकिन लेट्स होप बिकॉज़ वी आर द सिटीजंस, सो पॉजिटिव ऑलवेज एंड टीचर्स आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव,
सो लेट्स होप कि हाँ चीजें अच्छी होंगी और अगर 15,000 स्कूल ऐसे खुलते हैं जिसमें बच्चों को आईसीटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आई बिलीव सो यस, क्यों नहीं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो भावी जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू गुरु सर फॉर योर क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शरद विक्रम सर. ही हैज आस्क्ड, प्लीज गिव सजेशंस इन द लाइट ऑफ न्यू यूजीसी रिकमेंडेशन ऑफ 40% स्टडी टू ऑनलाइन मोड. विल दैट बी फॉलोड इन आवर स्कूल एज वेल और नॉट? That is only for university. That is nowhere implemented. That is nowhere, we have not talked about school, because school mein already ye sari cheeze chal rahi hai. School mein teachers are working day and night and they are giving 100% rather wo online classes hi chal rahe. That is only for university. There is no such guidelines for schools. Lekin school ke liye CBSE ne ye guideline diya hai ki teachers will be continuing their online classes. Especially for standard 9 to 12, there will be. पहले था कि आप summer vacation उनका reduce कर दीजिए, लेकिन अभी ये pandemic के वजह से summer vacation दिया गया है standard 9 to 12 को. लेकिन 10 और 12 के classes weekly once is continue. So ये सारी चीजें हैं जो CBSE बोली है. And since I'm connected to this particular school, so yes, I can tell you about government schools and how they are going to run. This is about. Thank you, ma'am. Our next question is from Smita Mishra, ma'am. She will ask one question. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, I have two questions. The first question is, what's the difference between Google Classroom and My Class Notes? Can we arrange live classes like Google Meet or the other apps? And my second question is there any app, are you aware about any app where teacher can supervise the student while online examinations, like in the open examination, the student have Got it. Thank you, Uriya, for the question. I'd like to first come to the second question. Is there any app where I can actually, or teacher, as a teacher, supervise? Now, no, there is no such app which gives you the opportunity to supervise the students. No. This is only the biggest disadvantage. It's a one of the great disadvantage. But then we think, and we all know this, teaching is going to prevail for a pretty long period of time. ये चलने वाला है. तो आप इसी सारी चीजों को, वो बच्चा भी धीरे धीरे 2020 में जो उसने वो किया था कि हाँ उसको he used to get or she used to get that opportunity ki Google khola, abhi kisi ne mujhse pucha tha dusra wala tab on karke, you know, you can just write. To wo sab cheeze to hain, lekin aisa kuch app nahi bana hai ki teacher usko supervise kar sake. Bilkul nahi. Ye on the verge of personal student pe aata hai ki aap kitna cheezon ko seriously lete ho, aap apne studies ko ya aap apne commitment ko. Ek word aata hai commitment. Commitment to your profession. Let it be profession. Let it be you are a teacher. You are how much you are committed of making your own slides. Because कहीं से copy paste और खुद का अपना slide हो, आप जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा matter करता है. तो आप अपनी commitment रहिए. तो commitment अगर वो बच्चा देता है तो yes, then ICT is a benefited one, benefited service. लेकिन अगर commitment नहीं रहता है, I don't think teacher supervision can any way do any kind of benefit for the student. So ye ek question hai. Dusra aapka question tha shayad Google Classroom aur ek jo aapne classroom bola. Maine bataya ki Google Classroom mein aap link dal sakte hain. Wahan se wo directly us link ko avail karke wo class mein easily aap virtual classes mein ja sakte hain. Lekin dusra wala jo app hai wo little bit insecure hai. Google Classroom is a very secure thing, जहाँ पर आपके PDFs, आपके कुछ links हैं जो आपके खुद के बनाए हुए, कभी कभार आप video डालते हैं, तो वो बहुत ज्यादा secure रहते हैं. लेकिन दूसरी वाली जो app है वो secure नहीं है. और एक benefit और उसका disadvantage ये है कि बहुत सारे students को आप उसमें add नहीं कर सकते. For example, 60 बच्चे हैं या 60 के ऊपर काफी schools में बच्चे होते हैं. government school ले लीजिए या बड़े जो private school होते हैं, I would like not like to name them. बट ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ 50-55 के ऊपर है स्टूडेंट का एक एक क्लासरूम में, तो तब आप उन सारे बच्चों को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. तो
तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि डिसएडवांटेजेस आई लाइक आई थिंक सो आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट इफ एनीथिंग एल्स यस यू हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी डाउट इन अ वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर वे and it's a time for a brief session by you ma'am so I hope so I have covered more or less each and every part of ICT so yes now a last and a brief discussion ki kuch sari cheeze jo humne app ke bare mein dekhi aur kuch logon ne bola ऐसे सुपरविजन एप्स क्यों नहीं यस आई बिलीव सो सुपरविजन एप्स अगर हो तो टीचर से ज्यादा खुश तो कोई नहीं हो क्योंकि दूसरा वाला टैब ओपन करके यू नो हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे इवन अगर हम एमएड के एग्जाम दे रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे एमएड एग्जाम दे रहे हैं या दिए हैं तो हम जब देते थे हमको पता है कि कितना प्रिपरेशन लगता था वो एग्जाम का टेंशन पहले दिन पिछले रात यू नो नींद नहीं आती थी एग्जाम देना है या फिर जस्ट गो टू Ma'am, how to make this type of background? All thanks to Google Meet. They have this thing called आप जब जिस लिंक से घुसते हैं तो वहां पर वो रहता है बैकग्राउंड का ऑप्शन जस्ट आप क्लिक कीजिए वो ब्लर हो जाता है स्लाइटली ब्लर एंड पार्शियली ब्लर जस्ट मेक श्योर सिस्टम कभी कभार हैंग कर सकता है इस बैकग्राउंड से तो नॉर्मल रखेंगे तो सिस्टम हैंग नहीं करता That's it, simple. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल वही गूगल मीट पे ही हमारा आईसीटी है सब जगह So the next one, I would like to stress on some important facts. Now let's seek some quickly important facts जो हमारे ICT को बहुत ज़्यादा enable करते हैं. At least like take 1 second of your precious time. मैम एक क्वेश्चन है. जी जरूर. हाँ जी. मैम ये आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ तो मैम ये क्वेश्चन है जैसे कि आपने ये सब बताया तो आपके हिसाब से आईसीटी का एजुकेशन में यूज करना आपके हिसाब से कहाँ तक सही है जैसे कि अगर हम पूरे 100% माने तो आपके हिसाब से आईसीटी का एजुकेशन में कितने परसेंट तक यूज करना सही है ऑन द बेसिस ऑफ मी इफ आई पर्सनली से 60% क्योंकि आईसीटी का अगर यूज करते हैं हाँ क्योंकि अगर जैसे आईसीटी का एक क्वेश्चन और जैसे अगर आईसीटी का यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स के जो कुछ एरियाज हैं वो वीक हो जाते हैं जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है इसमें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज आ जाती है स्टूडेंट्स का जो इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट होता है और कहीं ना कहीं वर्चुअल क्लासरूम से स्टूडेंट्स हैं वो सोशल डेवलपमेंट होता है वो वाला सेक्शन स्टूडेंट्स का है जो वो वीक हो जाता है तो मतलब इनमें बैलेंस कैसे बनाया जाए कि मतलब ये आईसीटी है जो इसके जो डार्क साइड है उनको घटा के मतलब इसको ज्यादा हद तक कैसे इम्पोर्टेंट बनाया जाए स्टूडेंट्स यस वेरी गुड क्वेश्चन थैंक यू यस ट्रेडिशनल क्लासरूम को तो जरूर क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया था कि बच्चे बहुत मिस करते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम को आप देखिए आप सोचिए हमारा जो चाइल्डहुड था हम स्कूल जाते थे हमको एक्टिविटीज एवरीवन मतलब मैं केवी स्टूडेंट हूँ बहुत लोग मैंने इवन केवी नहीं आप किसी भी स्कूल में जाए हमारे पास एक होता था को करिकुलर एक्टिविटीज का सेक्शन है ना उस दो पीरियड्स को हम लोग मतलब वो हमारे लाइफ का बेस्ट टाइम होता था क्योंकि हमको मिलता था वो अपॉर्चुनिटी कि आप किस में अच्छे हैं आप सिंगिंग में अच्छे हैं आप डांसिंग में अच्छे हैं आप किस में अच्छे हैं लेकिन हाँ आजकल के स्कूल भी ये कर रहे हैं क्योंकि ऐसे जैसे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं जैसे हमारे यहाँ आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल सो रविंद्र जयंती है ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हैं ऐसे कुछ यू नो दिस इज नॉट अ फेस्टिवल रादर दिस इज अ नेशनल फेस्टिवल उनका बर्थडे होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का तो उस टाइम पे कुछ कॉम्पिटिशन्स अरेंज कर सकते हैं वर्चुअली वी हैव क्रिएटेड दोस कॉम्पिटिशन्स और उसके बाद वीडियो मेकर से आपने उस वीडियो को कोलैबोरेट किया है आप बच्चों के टैलेंट्स को दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आईसीटी से आप उनके पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते This is completely, I don't agree with the fact. But again, आपके commitment पे ये depend करता है कि आप कितने committed हैं, एक बच्चा कितना committed है, उसके talent को किस तरीके से लाया जाए, काफी सारे factors उनको you know impact करते हैं, उनका at home atmosphere कैसा है, उनको घर पे कैसी सारी opportunities मिल रही हैं,
उनको घर पे क्या वैसे सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि वो जाकर एक्सप्लोर कर सके अपनी चीजों को? ऐसे कुछ कुछ डिस्टर्ब बैकग्राउंड होता है या होम बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है? अभी आप देखते हैं कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप सुन रहे हैं कि उसके मामा को या उसके पापा को गॉड फॉरबिडन डेडली डिजीज जिन्होंने लाइफ को बिल्कुल हेल बना रखा है, वो हो गया है, तो अल्टीमेटली वो टैलेंटेड है लेकिन वो अपना कंसंट्रेशन फुल कंसंट्रेशन उस जगह पर नहीं दे पा रहा। यस, प्रोफेशनल इसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूंगी सॉरी, कैन यू प्लीज जागृति मैम कैन यू रीड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? Yeah, sure, ma'am. The question is from Ashish Das. Ma'am, that is, all teachers are skilled to ICT in the school education, that is from 5th to 10th, I think. That's the question. Are all teachers skilled? Okay. Yes, yes. They are talking about the skilled. Okay. No. Not all the teachers are skilled, but this whole year, 2020 mein, agar aap mujhse ye sawal poochte, to main bolti bilkul hi nahi. Almost 20% teachers, they know how to implement, how to make link and how to generate link, how to make demonstration attractive, aur aap jaake bachcho ko padha rahe. Lekin abhi 2021 mein meri khud ki HOD hain jo mere se bahut senior hain, and but she is pro in making slides now. Now she knows ki slide kaise banate hain, kaise upload karte hain. सारी चीजें इवन हम देखते हैं हमारे घरों में पेरेंट्स भी है ना, तो क्लास 2020 तक आप उनको एक एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ा दे, आप कहां से क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आता है, विच इज वेरी फैक्ट, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीजें यूज नहीं की है, उनके टाइम पे ऐसी सारी चीजें नहीं थी। आप सीधा बैंक जाइए, आप लाइन में रुकिए और उनको मिल जाता था जो भी उनको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, जो भी सिस्टम है। लेकिन अभी क्या है, आप जाइए सीधा एक क्लिक करिए विद द हेल्प ऑफ दिस, बस आप जाइए और सारी चीजें हो जाती हैं, विद इन अ क्लिक क्रेडिट हो जाता है, आप एक OTP लगाइए सारी चीजें आपके सामने हो जाती हैं। तो यस, टीचर्स अभी तक मुझे लगता है कि स्किल्स हैं, क्योंकि मेरा जो स्पीयर है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, यस पीपल आर स्किल्ड, पीपल हैव डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, पीपल हैव एक्चुअली हैव इंटरेस्ट, ज्यादातर ये सारी चीजें कमिटमेंट इंटरेस्ट पर डिपेंड करती हैं कि कितना एक टीचर इंटरेस्टेड है, कितना वो स्टूडेंट सुनने के लिए, आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, आई नो द एंड आई कैन सी द सो मेनी बीएड स्टूडेंट्स, सो मेनी जूनियर्स ऑफ माइन, माय फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड, सो थैंक यू सो मच मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैम जैसे कि अभी ये COVID-19 आया तो एकदम से मतलब जमाना बदल सा गया, अभी तक रियल क्लासरूम चल रहा तो एकदम से वर्चुअल पे लोग शिफ्ट हुए हैं, तो मतलब एक दो प्रॉब्लम आ रही हैं जो टीचर फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो कैटेगरी बन रही है टीचर की, एक तो वो टीचर है जो एक तरीके से डिजिटल को सीखना तो चाह रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरे टाइप के जो टीचर्स हैं वो सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो मतलब इन लोगों का सॉल्यूशन कैसे किया जाए? देखिए, सीखने नहीं चाहने वाले का तो पर्सनली मैं बता रही हूँ कुछ नहीं किया जा सकता, आप इच्छुक नहीं है वो आपका इंट्रेंसिक है, हम लोग पढ़ते हैं ना इंट्रेंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रेंसिक, वो आपका इंट्रेंसिक है, आप खुद से नहीं पढ़ना चाह रहे, इसका क्या कर सकते हैं आप, बस उनको लेकिन इससे नुकसान तो स्टूडेंट का है ना, अगर टीचर सीखने नहीं जा रहे, ऑब्वियसली नुकसान है, लेकिन फिर उसके इम्प्लीकेशन भी टीचर्स को मिल रहे हैं, एक अच्छा खासा मेमो मिल जाता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, तो आप वैसी सारी चीजें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप कोई बंदा या कोई भी टीचर, एज ए टीचर आप जब इस प्लेटफॉर्म पर हो, आपको अपने नॉलेज को इम्पार्ट करना है स्टूडेंट को, तो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका कंटेंट आप तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यू डिजर्व टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस पोजिशन, जहाँ पे आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नो कि मेरे स्टूडेंट इससे क्या पूछ सकते हैं, एक टॉपिक के कितने सारे प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, आपको जानना होगा, एंड देन ओनली यू कैन रीच टू योर स्टूडेंट्स, सो यस आई थिंक सो आई हैव रीच्ड आउट टू योर आंसर। जैसे मैम कुछ मतलब कुछ ज्यादातर सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ मतलब जो
एज ज्यादा हो जाती है जिनकी, तो वो लोग मतलब इतने जल्दी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, सिचुएशन जब बदलती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को मैम इस वजह से काफी दिक्कत आ रही है। ये बिल्कुल स्टूडेंट उसके वजह से फेस करता है सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग या उनके हिस्से से कुछ अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे टीचर्स को दे दी जाए जो टेक सेवी है, उनको सिर्फ रखा जाए टू, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको पढ़ाना तो अच्छा आता है लेकिन टेक्नोलॉजी में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वो एकदम। तो उस तरीके से आई थिंक टीम टीचिंग कर सकते हैं, टीम टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो कर सकते हैं कि एक टीचर सिर्फ टेक्नोलॉजिकली उस टीचर की हेल्प करे और दूसरा टीचर पढ़ाए, साइमल्टेनियसली भी ये हो सकता है क्योंकि एक लिंक से बहुत सारे टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक सो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप लेते हैं तो आपको काफी सारी हेल्प होती है फॉर अल्टीमेटली बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर सच क्वेश्चंस। बट यू डोंट टेल अबाउट योर नेम एंड योर, मतलब आप लोग अपना जो भी है ना इंट्रो, ब्रीफ इंट्रो इन आवर चैट बॉक्स में लिख देंगे, दैट इट विल बी गुड टू नो आवर ऑडियंस एंड टू नो द नीड ऑफ योर ऑडियंस। सो द टाइम इज फॉर इंटरेक्शन विद अवर सोमू सर। आई वुड लाइक टू कॉल सोमू सर फॉर इंटरेक्शन विद अवर ऑडियंस। Thank you, Subhra ma'am and admin team of our teacher educators community. I was listening patiently the whole lecture and the conversation between participants and our resource person. It was a very nice session. Two points came in my mind. This is our unique class. You are our brand ambassadors of our programs or our community. Why I am saying like this? Have you seen any such online or offline class of national level for non-enrolled students? Even IGNU is only enrolled students. I was seeing the chat box. Students from South India, students from North, पूरे देश से representation है, और ये एक ऐसी class है, need based, and basically remedial class, all are listening, भले ही 70-80 लोग हैं, या 90 लोग हैं, या 100 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सुन रहे हैं, जिनके पास क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं और बहुत अटेंटिवली। कहीं ना कहीं हमें, हम हमारी जो टीम है उसको लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि 100 ऐसे लोग जिन्हें वाकई जरूरत है इस चीज को सीखने, समझने या इस पे बात करने की, बहुत से लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी क्लासरूम में नहीं मिलती कि वो सवाल पूछें, क्योंकि टीचर्स अलाउ नहीं करते, टीचर एजुकेटर्स अलाउ नहीं करते, वी नो आपको केवल लेक्चर अटेंड करना होता है। तो इस नाते हमारे प्रयास को आप सब अपने बैचमेट्स के बीच में ले जाएं और उनको भी लाएं जो वाकई में जिनके पास क्वेश्चंस हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, और उनको जोड़े हमारे जितने भी ऑनलाइन फोरम्स हैं। अब जब मरी नहीं जब मरी हम आपके माध्यम से ये बात कह सकते हैं क्योंकि आप हमारे बेनिफिशियरीज हैं। आप बताएं लोगों को और अपने इंस्टीट्यूशन से लोगों को जोड़ें, क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के हमारी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सर्विस यूजलेस है। आप जरूरत में है, आप जुड़ें, बस यही हमारा पर्पज रहता है। इंटरेक्शन तो मैं बेसिकली चैट बॉक्स देख रहा था तो मुझे लग रहा था कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोग लिखेंगे, जुड़े हुए हैं, और हम और भी तरीकों से, हमारा जो गूगल फॉर्म है जिसमें हम आपसे टॉपिक की डिमांड को रेज करते हैं कि आप बताइए हमें कौन से टॉपिक्स पर आपको
लेक्चर्स चाहिए तो उसमें आप जरूर रिस्पॉन्ड करें। फीडबैक सेशन, फीडबैक फॉर्म, कितना अच्छे तरीके से हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो इस पूरे ऑनलाइन टीचर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें जरूरतमंद विद्यार्थियों को जोड़ें और ऐसे लोग जो हमारे इस टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी रूप में, सेशन को ऑर्गेनाइज करने में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लिखें, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा हमारे इनके नंबर्स हैं, तो ये जरूरी चीजें हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचे। बेसिक पर्पज हमारा ये है। आप सभी के कमेंट्स मैं फेसबुक ग्रुप पे भी पढ़ता रहता हूँ, आप लिखते हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो रेगुलर लिखते हैं, और आप लोग लिखते रहिए, आप लिखते हैं, आपके जो भी मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं हमारी पूरी टीम को, हमारी टीम भी एक नेशनल टीम है, और उसमें से हम लोग नहीं मिले कभी फेस टू फेस, पहले कभी जानते भी नहीं थे, लेकिन एक काम करने का जज्बा है, एक जुनून है, कोई बरेली में है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई झांसी से है, कोई बनारस से है, कोई गोरखपुर से है, सब ऐसे ही जुड़े मिले और काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपके सामने एक प्रोग्राम आता है, और कई हमारी सर्विसेज अभी शुरू नहीं हो पाई हैं, धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही स्टूडेंट सेंटर्ड सर्विसेज, स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोग्राम्स और भी आए। यही मुझे कुछ आपसे कहना था, बाकी सजेशंस वगैरह आप लोग गूगल फॉर्म में लिखें, और टाइम नहीं है, मैं अब ओवर टू जागृति मैम फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए। नहीं, अब इस समय क्वेश्चन आंसर सेशन का नहीं है, देखिए हम सब टाइम मैनेजमेंट भी सीखते और सिखाते हैं। ठीक है सर। और आपके लिए जल्दी ही हम एक आंसर ऑन डिमांड सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। आपको हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन लिखिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, आप लिखिए, हम उस क्वेश्चन का जवाब आप जिस मैकेनिज्म से चाहेंगे, आप ईमेल से चाहेंगे, व्हाट्सएप पे चाहेंगे, हम उसका आंसर जो एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया होगा विथ रेफरेंसेस आपको डिलीवर करेंगे। तो वेट करिए, हम लाइव सेशंस की मर्यादा है, 11:09 हो रहा है, तो एक घंटे से ज्यादा चलने पर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट और जो वो है ना, yes, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप इस रूप में रखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नाउ इट्स द टाइम ऑफ फॉर्मल थैंक्स, फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आई वुड लाइक टू call our next coordinator, Smita ma'am, to come and give a formal vote of thanks. Smita ma'am, over to you. Thank you, Jagati ma'am. Shubhra ma'am, the session was really amazing. This is the 7th lecture series on this platform, Google Meet, and I think this is one of the most interactive sessions till date, and you answered each and every questions of the audiences very well. You highlighted how we have realized to use these ICT tools in our teaching learning process, and how to make our teaching learning process interesting by using these tools. You highlighted some of the tools that we can use very easily. This tool is not complicated, you can use it very in a simple manner. So you explained in a very simple way. And the most amazing thing about this lecture was that time management. I think this lecture is almost finished in exactly 1 hour. Session was really amazing. Thank you, ma'am. And next, I would like to thank Dr. Somu Singh for inviting you as a resource person for organizing such an amazing lecture. Oh, bye. Next, thank you to the organizing committee, the technical experts, and the others who are supporting in this lecture series. And next,
And the last, I want to thank the audience for their patience listening and their questions. Thank you so much. Thank you all. Congratulations, everyone. Thank you so much, sir, for providing me the opportunity. Thank you, Jagriti ma'am, Smita ma'am, Chandram sir, and everyone. Chambu Nath sir, so everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's our privilege to listen with you. Such an interactive session. And for further more session, we will always stay connected with you. Sure. Stay connected with all the audience. It's our request to fill the feedback form, which has been already shared by myself on the chat box. And if you have any want to join us with the various social media links, I have already shared. And one more time, I'm sharing the social media links so that you can join us with that. And with this, I would like to wind up the session. Stay safe, stay healthy. It's a time to survive first. Yes. Take care of your health. And we will meet in our next session. And Mahamana series is also going on. And the third session of Mahamana series is at the evening time. So the audience who are interested, kindly join us. It is a very fruitful to everyone as in a free platform available. Thank you once again. Thank you and happy Sunday. Thank you. Thank you.